दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। ऑनलाइन संगोष्ठी के जरिए राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के छठवीं श्रद्धांजलि सभा एवं संत सम्मेलन में सीएम सहित साधु संतों व जनप्रतिनिधियों ने वक्तव्य के माध्यम से दी श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक यातायात ने पैदल भ्रमण कर सड़क पर खड़ी आड़ी तिरछी गाड़ियों का किया चालान। जंगल कोड़ैया चौकी अंतर्गत काली माता मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए की हुई चोरी। रुक रुक कर हुई बारिश से तपिश और उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। और शासनादेश के अनुसार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन, बाजार दुकान सहित सड़कों पर पसरा रहा पूरी तरह सन्नाटा। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक व श्रद्धांजलि समारोह में ऑनलाइन संगोष्ठी के जरिए राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के 6वीं श्रद्धांजलि सभा एवं संत सम्मेलन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राम जन्म सिंह की पुस्तक श्री राम कथा और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में पत्रिका विमर्श का विमोचन किया गया। वहीं विभिन्न साधु संतों सहित जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को वक्तव्य के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे मातेश्वरी दास अयोध्या, चक्रधारी रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य महाराज अयोध्या से पधारे कथा व्यास अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में साधु संत व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य 31 या 10 लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। यानी तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग सम विषम परिस्थितियों में भी अपने पूर्वजों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं और ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज से 6 वर्ष पूर्व तक पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरक्षपीठ को, सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त होता। अत्यंत सहज थे, सरल थे, भारत की सनातन धर्म की एवं मूल्यों के प्रति उनके गाढ़ निष्ठा थी। उससे किसी भी अन्य मुद्दे पर वे चर्चा करने को तैयार नहीं होते थे। सनातन धर्म और भारतीयता मजबूत है तो वह उस पर अनुसरण करते थे। जिन कारणों से और जो कारक हिंदू समाज को कमजोर कर दे, जो संकल्प उन्होंने अपने जीवन में लिया, एक एक संकल्प पूरा होता है, एक एक कार्य सिद्धि में बदलता होता है। और आज जब हम सब उनकी 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, बहुत संक्षिप्त बहुत शॉर्ट का कार्यक्रम आयोजित होते रहा, लेकिन उस सबके बावजूद तकनीक के माध्यम से टीवी चैनल में, यूट्यूब में या फिर फेसबुक में और अन्य डिजिटल माध्यम से उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए
अधिक से अधिक लोगों तक एक कार्यक्रम पहुंचा, लोगों ने इसका लाभ लिया, आनंद भी लिया और गोरखपीठ के प्रति अपनी श्रद्धा को इसके माध्यम से व्यक्त किया है। मैं इस अवसर पर इस पीठ के हमारे मेरे पूज्य गुरुदेव थे गांधी महंत नित्यानंद जी महाराज, उनकी छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या डिजिटल माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक आगे बढ़ने का कार्य किया है। मैं एक बार फिर से पूज्य महाराज जी की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके शिष्यों में कोट कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति। दूसरा श्री कुलक्षमा चिकित्सालय, जहाँ की आपको भी जानत हो, सबसे सस्ता इलाज होगा पूज्य महाराज जी के कृपा से, और पूज्य महाराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी गुरु कुलक्षमा चिकित्सालय से लेकर सारा शिक्षण संस्था के मॉनिटरिंग करत रहे। आप ही के गुरु जो गुजरात में भूमि का आंदोलन चलावे, उन्हीं के आशीर्वाद से पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी आज के अयोध्या में शिलान्यास कही है। आप पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं है, आप लोग भरोसा करी मंदिर के भव्य मंदिर बना था वो क्या शुभारंभ भी हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं साढ़े तीन साल पूज्य महाराज जी का कार्यकाल हो गए, चाहे कोरोना काल में नहीं चाहे सीए में नहीं, आप देखी में कोरोना में जैसे 1.5 लाख पूज्य महाराज जी जांच करती पूरे प्रदेश में व्यवस्था कही है। बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है, परिवार चलाने में दिक्कत होने पूज्य महाराज जी के कुशल नेतृत्व में आप लोग देखी कितना बढ़िया तरह से घर घर जाकर वो इसमें जांच कराता। पूरे देश में बहुत प्रदेश बढ़े लेकिन हमारे महाराज जी का आप लोग देखी पूरे देश में ही नहीं विदेश में कितना डंका बजाता केहू मुख्यमंत्री ना तो आज तक भाई बात ना तो आगे हो रही। पूज्य महाराज जी के हम मादर काम करें पूरा प्रदेश का विकास होता। पूज्य महाराज जी आपके कृपा से बहुत बढ़िया विकास होता। हम एक बार पुनः ग्रामीण के जनता के तरफ से पूज्य महाराज जी उनके चरण में नमन करें प्रणाम करें। जय हिंद जय भारत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला द्वारा शास्त्री चौक से लेकर काली मंदिर तक पैदल गश्त कर शहर के मुख्य सड़कों पर आड़ी तिरछी खड़ी गाड़ियों का चालान किया। वहीं वाहन स्वामियों को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की हिदायत देते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के बीच बेवजह घर से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी कार्य होने पर ही घर से निकलकर समय से घर पहुंचकर अपने और अपने परिवार को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने बताया। यातायात के प्रति जो यातायात के हमारे नियम हैं उनको सचेत करने के लिए लगातार भ्रमणशील होकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो नो मार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हुई हैं उन
उनका चालान भी किया जा रहा है, उनको हटवाया भी जा रहा है, और जो कोई नहीं मिल रहा है उनका स्वामी उसको लेकर के यार्ड में भेजा जा रहा है। सब ट्रैफिक व्यवस्था आप खुद यहाँ करें जी? हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था देखना मेरी जिम्मेदारी है। हम अपने सभी अधिकारियों के साथ में सतत भ्रमणशील होकर के यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रहे हैं। सर, कितनी कार्रवाई आज हुई है सब लोगों ने? आज लगभग 4 गाड़ियों को यार्ड में भेजा गया है और 40 से 50 के बीच में चालान किए गए। जंगल कोड़ैया चौकी अंतर्गत पचवारा खास में प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने काली माता मंदिर का ताला तोड़कर लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह जब ग्रामीण मंदिर पर पूजा करने के लिए पहुंचे तो उनकी नज़र मंदिर की दान पेटिका पर पड़ी। दान पेटी का ताला टूटा हुआ था। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुजारी हरिश्चंद्र प्रजापति को दी। वहीं पुजारी ने इसकी सूचना संबंधित थाने पर दी और बताया कि इस मंदिर में इससे पूर्व भी चोरी हो चुकी है, लेकिन चोरों का कोई अता पता नहीं चला। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया, कई बार चोरी हो गया है भैया, और देखिए सर कि अब की बार जो हुआ है इसमें 5,000 रुपया था। कितना था? 5,400 आरती का था, और 5,000 रुपया जो है हम चंदा जुटाए थे मूर्ति लेने के लिए। अच्छा, तो 7,000 था, 2,000 मूर्ति वाले को दे दिए। मूर्ति वाले का हमारे पास फोन नंबर भी है, हमारा पास। तो लॉकडाउन हो गया, वो चला गया है जयपुर, तो बोला लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तभी भैया आ पाएंगे। अभी हम एक फोन किए थे, हम कमलेश गए थे। अच्छा, मेरे गाँव कमलेश वर्मा। इसके पहले भी चोरी हो चुका है? हाँ, कई बार हो गया था। तोड़ ले गए थे तो कुछ पाए नहीं थे, मतलब इधर उधर चढ़ा लिए थे। देखिए एक बार हुआ था, वो फोटो है इनका, क्या नाम है, दुर्गा जी का, हनुमान जी का, उसको गुरतेल मार मार के सब फोड़ दिए थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1,00,000 तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाय लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं, और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, amazon, फोन पे, UPI के जरिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7710955555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे।
सबक दूरी को हम भी निभाएंगे, दो गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे, तीसरे सबक याद रख स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे, चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे, जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। लगातार तपिश और उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। रविवार को अचानक हुए मौसम में परिवर्तन के बाद रुक रुक कर हुई बारिश ने तपिश और उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत दी। शासन द्वारा साप्ताहिक बंदी में परिवर्तन करते हुए केवल रविवार को ही संपूर्ण बंदी का निर्देश दिया है। ऐसे में इस निर्देश के क्रम में शहर के बाजारों, दुकानों, सड़कों आदि जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग घरों में रहे और जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न जगहों पर साफ सफाई का कार्य कराया गया। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।